कॉमेडी का डेली शो। ये हैं काम अपना सही करते हो, कोई भी एक गाना बजाना शुरू कर देते हो। ओ मैडम आपकी तारीफ। प्रियंका खोपड़ा। ओह माय गॉड। अरे अरे वो वाला शो आप कर रही हैं, वो जो वो सब बेरोजगार लोगों को आप सर्कस करवा रही हैं। प्लीज मैं उस शो में आ सकता हूँ क्या? मैं मुझे लीजिए ना उस शो में। ले सकती हूँ। हाँ। लेकिन तुम्हें तैयारी करनी होगी। मेरे शो में चारों तरफ खतरा ही खतरा होता है। ये पहन लो। तुम्हारा सामना खतरों से करवाती हूं। लेवल वन आग। आग। अभी तुम्हारे चारों तरफ इतनी आग होगी, इतनी आग होगी, अगर उस आग की इतनी सी भी चिंगारी तप करके तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से में फट गई तो तुम्हारा शरीर देसी घी की तरह पिघल कर जमीन पे गिर जाएगा। अभी बुलाती हूँ आग। पकड़ो इसे। और आग के सेंटर में देखो कैसा लग रहा है। अब मौत दिखाई दे रही है। इस आग को देख के तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? अब मुझे याद आया, इस आग को देख के मेरे दिल में चल रहा है क्यों? 15 दिन पहले सुरेंद्र का बर्थडे था। सुरेंद्र का बर्थडे मनाना भूल गया था मैं। उसका बर्थडे मना लेते हैं। आइए आइए। खेल लिया बर्थडे बर्थडे। अब लेवल टू। वो ऐसा लेवल है जिसे देखकर अच्छों अच्छों के पसीने निकल जाते हैं, नाक से भी और कान से भी। लेकिन उसके लिए तुम्हें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपना हेलमेट डालो। लंबी लंबी सांसें लो। बस और लेट जाओ। सीधी तरह लेटो। क्रॉस डालोगी? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि एनिमल राइट्स वाले हमारा शो बंद करवा देंगे। तो फिर ये कॉकरोच मंगवाए क्यों है खोपड़ा जी? ये तो मैंने सिर्फ सस्पेंस के लिए मंगवाए, टीआरपी के लिए। वैसे तुम महसूस कैसा कर रहे हो? डर महसूस कर रहे हो? कि इतने डर
डर चुके हैं कि थोड़ी देर बाद डर के मारे इनकी पैंट भी गीली होने वाली है। ऐसा ही हमारा शो, इतने डर वाला कि लोग घरों में बैठे ही डर जाते हैं। लेकिन हम लोग काफी हिम्मत वाले हैं जो इस शो को बना रहे हैं। क्या बात है मैडम, अपने शो में तीन तीन सांडों से तो डरती नहीं हो, यहां मुझसे डर गई हो है? आपके शो पर सिर्फ एक्टर्स को ही कंटेस्टेंट बनाते हैं ना, स्टंट कैसा भी हो बस एक्टिंग में कमी नहीं होनी चाहिए। देखो, एक्टिंग के साथ साथ हमें वो एक्टर चाहिए जो गंदे गंदे फेस बना लेते हैं। अबे गंदी शक्ल बनाने की क्या जरूरत है खोपड़ा, जब तुम्हें छिपकली, कॉकरेच और गंदे गंदे मेंढक खाने पड़ेंगे तो उसका स्वाद लोगों को तुम्हारी शक्ल से पता लगना चाहिए। अब तुम ये खा चुके हो। हाँ खा चुका हूँ। तो उल्टी की तरह बाप करेगा? मैं ट्राई करता हूँ। सोचो कि तुमने तीन तीन बार रावण देखी है। नहीं। बहुत अच्छा किया इन्होंने, इनके लिए जोरदार तालियां। ये घंटा तालियां है? मेरे शो का आकर खराब करिए, अरे गालियां मिलनी चाहिए तेरे को। अरे तुझसे अच्छा खतरों के अनाड़ी तो मैं कर सकता हूँ, करके सकता हूँ, मैं कर कल करके दिखाऊंगा। अच्छा देखती हूँ कैसे करते हो तुम खतरों के अनाड़ी। ये गेट आउट फ्रॉम हियर, और ये ले अपने ये गैजेट लेकर जा। और हेलमेट ये ले, ये अपना जैकेट ले, बड़ी आई यहाँ पे। गेट आउट खतरों के अनाड़ी। अब सुरेंद्र अब बोल दिया तो करना ही पड़ेगा ना। तू कल तैयार होके आ जाना मरने के लिए। लेकिन फिलहाल वक्त है आज के मेहमान के आने का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस हफ्ते हमारे शो पर आ रही हैं डेली सोप की माएं, तो आइए बुलाते हैं रिश्ता क्या कहलाता है से अक्षरा की माँ यानी लता सबरवाल को जोरदार तालियों के साथ। जब से ये शो शुरू हुआ है सुरेंद्र, लड़कियां तो लड़कियां उनकी माएं भी मुझसे शादी करना चाहती हैं। मैडम मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी मैम। जी आई एम आल्सो सॉरी, मैं भी आपसे शादी करने नहीं आई हूँ। तो फिर ये भाड़े के लड़के जो नाच रहे थे पीछे, और ये फूल वूल क्यों लेकर आई हैं आप? वो क्या हुआ कि मेरी शादी को सिर्फ एक साल हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी बस अभी अभी कुछ ही देर पहले हुई है, तो मैं हर समय उसी मूड में रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मूड में ही रहा करिए। अच्छा लेकिन हमने सुना है कि जो आपके रियल लाइफ में पति हैं, जो आपका जो सोप आता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें भी वो आपके पति हैं? जी बिल्कुल। तो डेली सोप्स में तो शादियों में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है या बताइए ना हमको। शादी के टाइम पे बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी। आपके घर वालों को? नहीं नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपके पति के घर वालों? वो तो बहुत खुश थे। तो फिर क्या मोहल्ले वालों को? उनको क्यों प्रॉब्लम होगी? तो फिर क्या प्रॉब्लम थी ये बताने के लिए? तो मुझे फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में जाने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा फिर? अच्छा आप वहाँ जाइए, हम भी देखेंगे इनके फ्लैशबैक में शादी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हैं। तो उसके लिए आपको ये पकड़ना पड़ेगा। ओ थैंक यू, कोई पसंद आया तो डाल देना। ओ थैंक यू। हेलो, हाँ शादी की सारी तैयारियां हो गई है, मेहमान आते ही होंगे। हाँ हाँ बारात भी टाइम पर आ रही है, आ जाना। क्या कर रही है? अच्छा है, अच्छा है। क्या अच्छा है? तेरा होने वाला पति अच्छा है। लेकिन एक बात याद रख, एक शादी साले एक शादी आदमी का दिमाग खराब कर दे। शादी एक ऐसा लड्डू है, हाँ पता है, जो खाए वो बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। मुझे मालूम है बचताएगी, फिर भी खा के बचताएगी। एक मिनट रुक, ये देख, ये मुसलमान की शादी की लड्डू और ये हिंदू की शादी की लड्डू।
ये दोनों को मिक्स किया मैंने। अब दुनिया का कोई भी हलवाई बता नहीं सकता गाय का लड्डू है। ये शादी का लड्डू तू खाएगी है? किसी की पत्नी बनेगी, बहू बनेगी, सास के ताने खाएगी, फिर कभी खुद सास बनेगी, बहू को ताने देते रहेगी है? और तेरी यही कहानी, तुझे सास चाहिए माँ जैसी और ससुर चाहिए बाप जैसा, ननद चाहिए बहन जैसी, तो पति भी भाई जैसा रख ले। पेट खाली है, चल बुफे कहाँ है बता, खाने कहाँ है? उधर है, जाओ खाओ। थैंक यू। जिसको देखो फ्री का खाना खाने आ जाता है। क्या बोली तूने? क्या बोली तूने? क्या बोली तूने? फ्री का खाना मत बोल, ले कवर भी लाया है, ले। ए, अभी मत खोल लालची औरत। क्यों? खाली है। इस इंसान से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? मुझे तो लगा था यहीं से खाली है, ये तो कवर भी खाली देकर गया है। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? My name is Khan and I'm not a terrorist. मेरी शादी में इनवाइट किसने किया? हाँ, मैंने तो नहीं किया। मैं हूँ ना बिन बुलाए मेहमान हूँ। मैंने तो तुम्हें अपनी शादी में डांस करने के लिए बुक ही नहीं किया। मैं पैसे कौन देगा इसे? पैसे की बात कौन कर रहा है? मैं तो यहाँ पर फ्री में डांस करने आया हूँ। लता, मुझे अपनी शादी में डांस करने दो, मेरे जैसा फ्री का डांसर तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। गलतफहमी है तेरी, इससे अच्छा डांसर है मेरे पास, वो भी फ्री का। आमिर खान, मुझे मालूम था मुझे कम्पीट कर करके ये एक दिन शादी में जरूर डांस करेगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमारे शो पर बहुत डांस कर रहे हैं। क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वृशाली का। शाली, इतनी गर्मी लग रही है सबको यार, इतने पसीने हैं, क्या बताऊं। आप पर तो मैं बाद में आऊंगा आपकी तारीफ करने पर, लेकिन क्या बात है, इन 8 बाल कलाकारों ने कमाल का डांस किया, इनको देखिए। एक मिनट, मुंबई के सारे फ्रूट यहीं से सप्लाई होते हैं और पार्ट टाइम में हक्का नूडल का भी जॉब करते हैं। शाकाल साहब, सुरेंद्र तू कह रहा था ना तेरा बड़ा वाला तबला खराब हो गया है, इनके लिए एक स्पेशल जोरदार तालियां प्लीज। ये जो हैं बाबा जामदेव के पोते, ये कली आए हैं बाबा के दर्शन करके हैं, और आते ही लड़की छेड़ रहे हो। मेरे शो में आके लड़की छेड़ रहे हो मेरे सामने? ये फैमिली शो है, यहाँ पर सिर्फ मैं छेड़ूंगा। हाँ, अब चलें हम लोग, आइए। एक मिनट, एक मिनट, क्या बात है शर्मा जी, हैं? आप सोच रहे होंगे अभी मैं उस कैरेक्टर में आऊंगा और बोलूंगा आपको, क्या बात है शर्मा जी, कल रात को 9 बजे आ जाना इस शो पे जिसका नाम है कॉमेडी का डेली सर। अरे फट है, अब इस लड़की के साथ कल से रात को 9 बजे नाचने जा रहा हूँ मैं, हो सकता है मैं आऊँ या ना आऊँ, मेरी मर्जी। अगर इस शो पर आना है तो फिर इसको देखना पड़ेगा, सुरेंद्र को।
इसको देखना है तो आइएगा, नहीं तो भैया मैं तो चलता हूँ, चले। नहीं मजाक कर रहा था भैया, सॉरी। ये शो छोड़ के मैं नहीं जा सकता, I'm sorry. एक काम करो ना विशाली, जरा रिक्वेस्ट कर दो शर्मा जी को कल आने के लिए रात को 9 बजे। क्या इस शो की कोई प्रमोशन नहीं करता ना? बोलिए ना शर्मा जी, कल रात को 9 बजे आइएगा इस शो पे जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। शर्मा जी प्लीज, कल रात को 9 बजे इस शो पे आ जाइएगा, इसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। क्या बात है, क्या बात है। अब तुम यहाँ पर आओ या ना आओ, लेकिन कल रात 9 बजे अब शर्मा जी जरूर आएंगे, मुझको पता है। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे लिख लीजिएगा। बजाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.